चारू जी, आपने इश्क ज्यादा में चारू जी को देखा होगा, विशाल को जी में देखा होगा, और मोहित चौहान जी, नमस्ते। मोहित चौहान जी को आप, मोहित चौहान जी अपने बारे में खुद बताइए। कम से कम 12 फिल्म कर चुका हूँ, 30 शादी सीरियल कर चुका हूँ, 10-12 ऐड कर चुका हूँ, उसमें से चक दे इज वेरी प्रोमिनेंट, चक दे इंडिया में शाहरुख का मित्र बना था, फिर एड्स में भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की है, एक बिंगो मैड एंगल्स का एड होता है वो बहुत फेमस हुआ था, टाटा डोकोमो का, अभी मेरा वो चल रहा है फोक्सवैगन विंटो का है, एक दो एयर ऑलरेडी तैयार हैं, वो भी आ जाएंगे जल्दी। सीरियल्स में 1000 में मेरी बहना है जो अभी चल रहा है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया है, और दूसरा क्राइम पेट्रोल में भी काफ़ी देखते हैं और रिपीट होता रहता है मेरा, और इस फिल्म से के माध्यम से शायद और पॉपुलैरिटी बढ़े और इस फिल्म को सफलता मिले। आदित्य का, आदित्य, मैं आदित्य अग्रवाल, मैं यहीं से हूँ, सिरसा से ही हूँ, और आई एम गिविंग द म्यूजिक फॉर दिस फिल्म। दो म्यूजिक डायरेक्टर, एक फैसला सुना इधर या उधर, कहीं पे तो जा, दिल चला दिल चला चला दिल चला, बड़ा है ये मन चला, मेरी पहली फिल्म है, और इसके पहले मैं 3 साल सोनी टीवी, जी टीवी, स्टार प्लस पे काम कर चुका हूँ। मैं जी टीवी बहुत ही फेमस सीरियल था, रामलीला जोड़ी, जो 1.5 साल चला, उसके बाद 1 साल स्टार प्लस पे सपनों से भरे नैना। उसके पहले मैं थिएटर करता था, काफ़ी एड भी की है मैंने, डबिंग वॉइस ओवर्स भी करता था, तो ये मेरी पहली फिल्म है, और इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, स्टोरी बहुत अच्छा है, और पिक्चर अच्छी बनी भी है, म्यूज़िक बहुत बढ़िया है, तो यही उम्मीद है कि पिक्चर चले, आप सबका सपोर्ट हो प्रमोशन एक्टिविटी और थोड़ा हमें इनकरेज करने के लिए, ताकि हम अपने ऑडियंस तक पहुंच पाए और ये पिक्चर हिट हो जाए, और बस यही दुआ करते प्रोग्रेस करते रहें। ये मेरी 6ठी फिल्म है, और 3 साल पहले ही मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, और पहली फिल्म थी मेरी पटियाला हाउस, नो वन किल जैसे का, कुछ लव जैसा, इशकजादे, उसमें परिणीति चोपड़ा की मदर का रोल किया है, और इसके अलावा मैंने सीरियल करे हैं, 2 बहुत अच्छे सीरियल करे हैं सोनी टीवी के, एक तो लेडीज स्पेशल जिसमें हीरोइन की मदर का रोल किया था, और जो अभी एक छजे सज्जे का प्यार सोनी टीवी पे आता था उसमें हीरो उसकी मदर का रोल था, और काफ़ी एड्स मेरे टीवी से चलते रहते हैं, एंड माशाल्लाह secondmarriage.com मेरी बहुत अच्छी फिल्म है, और मेरी मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना भी है और उम्मीद भी है कि आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, सारा क्रेडिट जाता है। बचपन से ही थिएटर करते आ रही हूँ, एवीन इन एनएसडी ऑल्सो, देन आई ज्वाइन द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जो FTII है, और मैंने एक्टिंग में स्पेशलाइज किया 3.5 साल, तो इतना क्योंकि एक्टिंग पे काम करके और ट्रेनिंग मिली थी मुझे, आई हैव टू बी वेरी वेरी श्योर टू पिक माई फर्स्ट फिल्म। फिल्म में ना एक बेटी है और एक बेटा है जो कि अपने माँ बाप के लिए कंसर्न्ड है, एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल टू बी कंसर्न्ड अबाउट योर पेरेंट्स, जो इन दोनों को ही लगता है कि जो माँ बाप हमें बड़ा किया है पाल पोस के, इतना स्ट्रगल करके पूरी जिंदगी, अभी जो हम लाइफ में सेटल हो गए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उनका ख्याल रखें और उनको एक कंपेनियन ढूंढ के दे, एंड इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी, देयर इज नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट, इट्स अबाउट दीज 4 पीपल एंड देयर जर्नीज टुगेदर। देखिए, मूवी की प्रायोरिटी होती है, आपका बिजनेस भी तभी सक्सेस होता है नहीं, जब मूवी अपने पैरामीटर्स पे खरी उतरती हो। पैरामीटर्स क्या है, दर्शक जाता है एक एंटरटेनमेंट के लिए, उसको एंजॉय, एंटरटेनमेंट भी चाहिए और मैसेज भी चाहिए, तो ये मूवी दोनों पैरामीटर्स पे पूरी उतरती है। सब्जेक्ट नया है, सब्जेक्ट यंग इंडिया को एड्रेस करता है, यंग इंडिया का जो माइंडसेट चेंज हो रहा है उसको लीड करता है, और मेरे ख्याल में उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। आज का जो 18 साल का बच्चे की जो थॉट्स हैं, जिसने आगे 50 साल रूल करना है कंट्री पे, चाहे वो बिजनेस रूल करे, चाहे वो किसी पेशे में रूल करे,
उसके सेंटीमेंट्स को एक्सपोजर मिलना चाहिए और ये सब्जेक्ट उसके सेंटीमेंट को एक्सपोजर देता है। अगर सत्यमेव जयते कोई प्रेरणा दे रहा है तो ये फिल्म भी प्रेरणा देगी, क्योंकि आमिर खान ने लास्ट वीक सेकंड मैरिज के इशू को बड़े अच्छे ढंग से टेक ऑफ किया और उसको प्रमोट किया। अगर आप उससे कन्विंस हो तो फिर इससे डेफिनेटली कन्विंस हो जाओ। नहीं किया गया कि नहीं यार आप कुछ भी यार नहीं, आप तो सेकंड करो, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर ये सिचुएशन को आपके सामने दर्शक के सामने बड़े शटल